जय स्वामी नारायण बाल। दोस्तों, कक्षा 4 विषय हिंदी में अपने बारे में इकाई 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 4, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। कौंस माथी योग्य शब्द पसंद करीने वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं। आपको पसंद करके सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न, अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है। यहाँ पे लड़का है कि लड़की है? लड़की है, तो क्या आएगा? पढ़ती है। अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। लड़का खेल, एक लड़का है, एक से ज़्यादा है कि एक है? एक है, तो फिर लड़का खेल रहा है, खेल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लड़की आनी चाहिए, पर यहाँ पे एक ही लड़के को बताया गया है, इसीलिए क्या आएगा? लड़का खेल रहा है। मैं माता पिता का आदर करता हूँ कि करते हैं? करता हूँ। मैं यानी एक, एक ही है, तो मैं माता पिता का आदर करता हूँ। और चौथा प्रश्न, मेरे खाली जगह का नाम सुधीर है, तो दोस्त की सखी, यहाँ पे सुधीर यानी पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग आ गया। हम लोग तीसरी कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे है सुधीर नाम, सुधीर क्या आया? पुरुष, तो फिर क्या आएगा? सखी आएगी कि दोस्त आएगा? दोस्त। मेरे दोस्त का नाम सुधीर है। और पांचवा प्रश्न, उसकी खाली जगह का नाम जैनी है, तो यहाँ पे आएगा सखी, उसकी सखी का नाम जैनी है। और पांचवा प्रश्न, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाए, खोटो शब्द छेकीने साचू वाक्य बनाओ। तो पहला प्रश्न, मुझे लड़की हूँ? नहीं, क्या आएगा? मैं लड़की हूँ, तो किसको काटना है? मुझे। मेरे पिता का नाम राजेश भाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पिता यानी माता को काटना है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ कि पढ़ाते हैं? एक से ज़्यादा है? नहीं, एक है। मैं यानी अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो क्या आएगा? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ यानी है को हम लोग काटेंगे। तुम्हारे बहन का नाम क्या है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है? क्या आएगा? तो तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो हम लोग काटेंगे बहन को। मैं क्रिकेट खेलूँगा कि खेलना है? तो मैं अकेली हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो किसको काटेंगे? खेलना। तो ये भी आपको सही तरीके से करना है। और प्रश्न 6 हम लोग आगे देखेंगे। जय स्वामी नारायण।